Good morning, students. I hope you are well. So, students, आज हम exercise 10.3 की कुछ basic terms करेंगे. अगर आपको ये basic terms अच्छे से आती हैं, तब फिर आप exercise कर सकते हैं. तो जैसे कि board के ऊपर मैंने 3 points लिखे हुए हैं: slope, intercept form, and normal form. ठीक है? तो जो equation होती है, आपको बता रखा है कि जैसे जो equation होती है, हमारे पास ax plus by plus c equal to 0. ठीक है, ये क्या है? लीनियर इक्वेशन. अब इसके अंदर हमने क्या करना है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो मुझे जैसे कि स्लोप निकालना है, तो स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से y की वैल्यू निकालेंगे. सो by is equal to minus ax minus c. ठीक है, y का कोफिशिएंट b है, तो b से नॉमिनेटर क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे. तो ये हमारी इक्वेशन आ गई किसकी फॉर्म में, y की फॉर्म में. कहने का मतलब आपने y की वैल्यू निकाल ली है. और जो हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन होती है वो इस तरह से होती है, लीनियर y equal to mx plus c, जिसके अंदर स्लोप होता है और इंटरसेप्ट, स्लोप और इंटरसेप्ट. ओके, तो यहां पर x का कोएफिशिएंट m है, तो अब आप इसके अंदर ये बता सकते हैं कि स्लोप आपका क्या है. तो स्लोप क्या है स्टूडेंट, जो x का कोएफिशिएंट माइनस a अपॉन में. ठीक है, जैसे कि मैं एक जनरल एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं कि आपको एक स्टेटमेंट दे दी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1. ये क्वेश्चन है. तो यहां पर आपको अगर आपसे पूछा जाए कि स्लोप क्या है, तो स्लोप के लिए हम क्या करेंगे, 3x इधर माइनस हो गया, y का कोएफिशिएंट 2 है, 2 से डिवाइड कर दिया, हमने राइट साइड में डिवाइड कर दिया. तो अब x का जो कोएफिशिएंट है माइनस 3 अपॉन में 2, तो ये स्टूडेंट आ गया हमारा स्लोप. ठीक है, आपके पास कोई भी लीनियर इक्वेशन है तब आप उसका स्लोप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म. अब जो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है स्टूडेंट को कैसे होती है, x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b is equal to 1. ये हमारी क्या होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म. ठीक है, अब इसको बनाते कैसे, मैं सेम ये क्वेश्चन ये एग्जांपल लेकर चलूंगा, 3x plus 2y is equal to 1. ठीक है, तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि सेम एग्जांपल लेकर चलेंगे, 3x plus 2y is equal to 1. अब यहाँ पर x के नीचे a है और y के नीचे b, उधर पर. अब आप देखें यहाँ पर x के नीचे कुछ भी नहीं है, y के नीचे भी कुछ नहीं है, उधर 1 तो है. तो मुझे a बनाना है, a बनाने के लिए मैं क्या करूँगा कि ये जो 3 है, 3 को नीचे डिवाइड कर दूंगा. जब 3 नीचे जाकर डिवाइड होगा तो क्या आएगा, 1 upon 3. ठीक है, इसी तरह से जब मैं 2 को नीचे लेकर जाऊंगा तो 2 नीचे जाकर 1/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1. तो ये आपके पास कोई भी, अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन होती है उसमें जो x के कोएफिशिएंट होंगे उनको आपने नीचे ले जाना. जब आप उनको नीचे लेकर जाएंगे तो 3 है तो 3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 है तो 2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा. अब आप देखें कि ये बिल्कुल ये फॉर्म बनती है, x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो ये हमारी होगी इंटरसेप्ट फॉर्म. थर्ड है हमारा नॉर्मल फॉर्म. नॉर्मल फॉर्म में कैसे होता है स्टूडेंट कि आपके पास एंगल आ जाता है. ठीक है, जैसे कि अगर आप ग्राफ के अंदर देखते हैं कोई भी लाइन होती है 2 एक्सिस के साथ क्या करेगी, कोई ना कोई एंगल बनाएगी. जैसे कि मैंने ये लाइन ली, तो ये एंगल क्या हो गया, एक तरह से मैंने इसको अल्फा नाम दे दिया, अल्फा बीटा गामा कुछ भी आप दे सकते हैं. तो यहाँ पर जो इक्वेशन होगी वो रहेगी आपकी एक्स कोस ओमेगा. ठीक है, सिंपल आप कोई भी देख सकते हैं, आपको डब्ल्यू लग रहा है, ये डब्ल्यू नहीं है, इसको ओमेगा बोलते हैं. एक्स कोस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी. तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, नॉर्मल फॉर्म के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 3x प्लस वाई इज इक्वल टू ए. तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो फॉर्म है वो क्या है, एक्स कोस ओमेगा. तो एक्स हमारे पास है प्लस वाई साइन ओमेगा, वाई है लेकिन साइन ओमेगा नहीं है, इज इक्वल टू पी. तो पी हमारे पास है, तो इस
तरह की इक्वेशन बना लिया हमने, इस लीनियर इक्वेशन को हमने जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज है इस फॉर्म में लेके आया है, कहने का मतलब नॉर्मल फॉर्म में लेके आया है। तो इसके लिए क्या है कि आप एक प्रोसेस रहेगा जो एक्स का कोफिशियंट है और वाई का कोफिशियंट है, इनका स्टूडेंट हमने क्या करना है स्केयर ले, ठीक है, जो एक्स का कोफिशियंट है और वाई का कोफिशियंट है उनका स्केयर ले, साथ में हम याद कर रहे हैं उनका सम, ठीक है, सम ऑफ दी स्केयर ऑफ कोफिशियंट एक्स एंड वाई। एंड नेक्स्ट क्या करना है, इसका स्केयर रूट भी लेना है, ठीक है, नेक्स्ट हम इसका स्केयर रूट लेंगे, तो स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो गया जस्ट 3 प्लस 1, ठीक, 3 प्लस 1 स्टूडेंट 4 एंड 4 का हो गया 2, तो हमारे पास क्या हो गया 2 आ गया। अब इस 2 को क्या करना है, जो आपकी गिवन इक्वेशन थी उससे हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 1/2, ठीक है, तो स्टूडेंट यहां पर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, रूट 3/2x प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 8 अपॉन 2, तो ये कैंसिल हो गया, तो रूट 3/2 कोस में कितने डिग्री पर होता है 30 डिग्री पर, तो x cos 30 डिग्री, यहाँ 1/2 है, 1/2 साइन में क्या होता है 30 डिग्री पर होता है, तो y साइन 30 डिग्री, ठीक है, अगर वो आपसे पूछते हैं कि एंगल बता रहे हैं तो आप एंगल बता सकते हैं यहाँ पर 30 डिग्री और P जो है वो यहाँ पर 4 है, तो इस तरह से स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं कि नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, आप क्वेश्चन को जो है नॉर्मल फॉर्म में बदल सकते हैं अगर आपको एक सिंपल लीनियर इक्वेशन दी हुई। तो फोर्थ पॉइंट है स्टूडेंट हमारा डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, यानी कि एक पॉइंट है और उस पॉइंट से एक लाइन का जो डिस्टेंस है ये आपको बता रहा है, ठीक है, तो ये आपको डिस्टेंस बता रहा है, पॉइंट हमने जैसे कि एक्स वन वाई वन लिया और इक्वेशन जो है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो ये हमारे पास स्टूडेंट क्या है इक्वेशन है और एक पॉइंट, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको बता रहे, ठीक है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना है, जो आपके पास ये पॉइंट है, ठीक है, इसको लाइन की जो वैल्यू है एक्स और वाई उसकी जगह रखा है, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड, तो नेक्स्ट क्या है कि जो एक्स और वाई का जो कोफिशिएंट है इनका स्केयर लेना है और उसका स्केयर, ठीक है, दोबारा फिर देखें कि जो पॉइंट है इसका हमें लाइन के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, ठीक, यहां पर क्या लिखा है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, जब भी हम किसी पॉइंट का किसी लाइन के साथ जो डिस्टेंस लेते हैं वो हमेशा कैसा होता है परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा शॉर्टेस्ट होता है, तो हमने एक्स वाई वन की वैल्यू को यहाँ पर एक्स वाई की जगह रखते हैं, ठीक है, और इसका मोर क्योंकि ये ओवरऑल वैल्यू सोल्व करके क्या आएगी पॉजिटिव आएगी, एक्स का कोफिशिएंट वाई का कोफिशिएंट यानी कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर का स्केयर, ठीक है, जस्ट इसके बाद आप उसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एक पॉइंट है 2, 3 और एक लाइन है हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो मुझे यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना, तो मैं क्या करूँगा एक्स की जगह यहाँ पर 2, वाई की जगह 3, 1 का 1 और नीचे हमारे पास एक्स का कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर वाई 1 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर, ठीक है, तो 2 और 3 5 और 1 6 और नीचे 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 1 और 1 2, तो सॉल्व करके आया हमारे पास ये रूट 2, तो ये क्या हो गया डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। तो स्टूडेंट फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, तो हमारे पास 2 पैरेलल लाइंस है इनके बीच का डिस्टेंस निकालो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पैरेलल लाइंस है तो इसमें ए बी ए बी दोनों के सेम होंगे, जस्ट ये जो लास्ट हमारा कॉन्स्टेंट टर्म होती है ये क्या होगी डिफरेंट होगी, इसमें सी वन उसमें सी टू, तो सबसे पहले सी वन माइनस सी टू करना है आपने और नीचे जो एक्स वाई का कोफिशिएंट है
का स्केयर, ठीक है, सी वन माइनस सी टू स्केयर के सम का स्केयर, तो ये चीज होती है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास पहली लाइन है 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड पैरेलल लाइन है 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब आप यहां से देख सकते हैं a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3, c1 जो पहली लाइन है 5, c2 जो वैल्यू 4। तो हमें डिस्टेंस निकालना स्टूडेंट, तो मैं क्या करूंगा c1 माइनस c2 तो 5 माइनस 4 का और नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो 5 माइनस 4 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, टोटल हो गया 13। तो 1 अपॉन में 13 क्या आ गया डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल्स। तो स्टूडेंट आज हमने क्या किया है कि जो 5 पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस किया है, समझा है, और उसी के बेस पर जो है आप एक्सरसाइज 10.3 करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 10.3 करेंगे। तो यहाँ से टेक केयर, अपना ध्यान रखें, पढ़े लिखें, वो मेहनत करें। जय माता दी।